तो डिफिकल्ट है किसी भी बिजनेस फर्म के लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना रिगार्डिंग की कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसे प्रोड्यूस करने चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर क्योंकि जो प्रोडक्ट मिक्स है फॉर्म का वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है चेंज इन मार्केट डिमांड कॉम्पिटिटिव एक्शन और रिएक्शन क्या है जो आपका कॉम्पिटिटर है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिसीजन को कि आपका प्रोडक्ट मिक्स कैसा होना चाहिए तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट मिक्स को सबसे पहला है चेंज इन मार्केट डिमांड अगर जो मार्केट डिमांड है प्रोडक्ट की, वो उसमें कोई चेंज हुआ है और डिमांड में चेंज क्यों होगा कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज होने की वजह से फैशन में चेंज होने की वजह से परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की उसमें चेंज होने की वजह से तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट डिमांड जो है प्रोडक्ट की उसको चेंज कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक जो बिजनेस फॉर्म है उसे भी अपने प्रोडक्ट मिक्स में नेसेसरी चेंजेस करने पड़ेंगे दे नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एक्शन एंड रिएक्शन की जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अपने प्रोडक्ट मिक्स में किस तरीके से चेंजेस लेके आ रहा है वो भी जो है एक कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को इफेक्ट करते हैं कई बार जो कॉम्पिटिटर ने एक्शन लिया है मजबूरी में जो फॉर्म है उसे उसको कंप्लाई करते हुए अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़ता है फॉर एग्जांपल जो टेलीविजन मैनुफेक्चरर है एल एंड बी जब उन्होंने मैन्युफेक्चरिंग शुरू की रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की तो उनके जो कॉम्पिटिटर्स ओनेडा एंड वीडियोकॉन उन्हें भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ी रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स की तो जो एलजी और बीपीएल कंपटीटर्स थे उन्होंने जो प्रोडक्ट मिक्स था ओनेडा और वीडियोकॉन का उसे चेंज किया देन नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट मिक्स को एक जो प्रोड्यूसर है वो डिसीजन ले सकता है कि कैसे उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना है ताकि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कम हो सके और वैरायटी ऑफ गुड्स को वो प्रोड्यूस कर सके अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन टेक्निक और जो भी चेंजेस प्रोडक्शन के एरिया में जो भी नई रिसर्च हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सकता है The next is use of residual. जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट से जो भी आपको रेसिडुअल बच रहा है जो भी आपकी वेस्टेज बच रही है क्या उस वेस्टेज से भी कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है तो उसके ऊपर भी आपका प्रोडक्ट मिक्स डिपेंड करेगा कैसे सपोज एक जो कंपनी है वो लार्ज अमाउंट में जो उसका वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट से वो और यूजफुल प्रोडक्ट बना सकती है बाय प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं जो मेन प्रोडक्ट से वेस्टेज निकलता है उससे आप बाय प्रोडक्ट बना रहे हो फॉर एग्जांपल एक लार्जर शुगर मिल है अगर वो शुगर तो बना ही रही है साथ में जो भी उसका वेस्टेज निकल रहा है शुगर केन का उससे वो यूज कर सकती है वाइन पेपर कार्डबोर्ड बनाने के लिए तो ये भी एक तरीका है जिससे वो अपने रेसिडुअल का यूटिलाइजेशन कर सकती है और इसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्ट मिक्स जो है कंपनी चेंज कर सकती है द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस कई बार ड्यू टू तो फाइनेंशियल रीजन कंपनी को अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ता है अगर कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉसेस में जा रही है तो प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करके वो अपने लॉसेस को कम कर सकती है जिन प्रोडक्ट्स की सेल्स वो इंक्रीज नहीं कर पा रही है जिनकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है प्रॉफिट उतना नहीं हो पा रहा है बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं हो पा रहा है तो वो अपने ओल्ड और जो एप्सल्यूट और आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको खत्म करके न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है और अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकती है द नेक्स्ट इज मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस जो कंपनी है अपने मार्केटिंग एफर्ट्स और कैपेसिटीज का इफेक्टिव यूज करने के लिए भी प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करती है फॉर एग्जांपल अगर एक जो कंपनी है वो अपने जो आ, आपके मार्केटर्स हैं, जो सेल्समैन हैं, उनका आ, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पा रही है उनको एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रही है तो अगर एक वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है तो सेम जो उनकी लेबर फोर्स है जो उनका सेल्समैन है उनकी जो एफर्ट्स कैलिबर है वो उनको उस नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यूज कर सकती है तो जो कंपनी है अपनी जो मार्केटिंग रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए भी प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर सकती है वो किसी भी तरीके से हो सकता है प्रोडक्ट मिक्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स को इंक्रीज करके हो सकता है या नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स को वाइड करके हो सकता है या आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है उसकी विर्थ को इंक्रीज करके हो सकता है द नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ मैन्युफेक्चर सेम तरीके से जो मैनुफेक्चर है कई बार वो अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करता है ताकि जो गुडविल है उसके ब्रांड की उसकी कंपनी की वो इंक्रीज हो सके एट प्रेजेंट अगर हम बात करें नाउ नाउडेज जो मोस्ट ऑफ दी मैन्युफेक्चर हैं वो अपनी कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट लाइन्स में ऐड करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड की अगर बात करें तो वो डव सोप बना रहा है रेडो वॉचेज बना रहा है गोल्ड चेन डायमंड को प्रोड्यूस कर रहा है एल जी बिग स्क्रीन टीवीज बना रहा है तो ये कुछ हैं जह, जहां पर जो गुडविल है मैन्युफैक्चरर की इन प्रोडक्ट्स को बनाने से इंक्रीज हो सकती है तो एक जो रिप्यूटेड फॉर्म है वो इजीली न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है अपने प्रोडक्ट लाइन में देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हर एक बिजनेस फॉर्म का वो है मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स को अर्न करना और थ्रू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हो आपकी जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनको हटा के और उसमें कुछ न्यू इंप्रूव्ड या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट मिक्स में ऐड करके द नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज जो मैन्युफैक्चरर है उसे फॉलो करनी है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट बना रही है और रूल्स के चेंज होने के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंजेस कर सकता है। The next is your change in consumer अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स में चेंज हुआ है उनकी परचेजिंग पावर में चेंज हुआ है बाइंग हैबिट्स, फैशन बिहेवियर में चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केटर है उसे भी अपने प्रोडक्ट मिक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा उसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स को एड करना करेगा इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चेंज इन द टारगेट्स ऑफ द कंपनी प्रोडक्शन मिक्स पॉलिसी जो कंपनी की है उसमें चेंज हुआ है या प्रमोशन मिक्स पॉलिसी में चेंज हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स पॉलिसी में चेंज हुआ है प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज हुआ है जो कस्टमर्स हैं उनकी लेवल ऑफ इनकम में चेंज हुआ है अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उससे जो सेल्स है दूसरे प्रोडक्ट्स की कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा है या जो इफेक्ट हुआ है चेंज जो आपने किया है प्रोडक्ट मिक्स में उसका ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन ये भी वो फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा कि कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करती है कई बार कंपनी के लिए कंपल्शन हो जाती है और कई बार कंपनी बाय चॉइस जो है वो प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करती है तो ये थे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑन इट्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो एक मिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से भी इंफ्लुएंस होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है सेल्स की स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है सेल्स की ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट है उसको रेड्यूस करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो ये भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स को तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव को हर एक जो फॉर्म है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती है और इसी के लिए जो फॉर्म है नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है जो उसके प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट बनते हैं तो जो भी प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं जिनका प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है या सेल्स अच्छा नहीं हो रहा है तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट मिक्स से उन प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कंपनी ऑन कर सके देन नेक्स्ट इज सेल्स स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हर एक जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट है वो चाहती है कि उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे ताकि एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो सर्टेन हो पाए और वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुलर यूटिलाइजेशन कर सके और क्योंकि वाइड फ्लक्चुएशन होती हैं जो सेल्स वॉल्यूम है फॉर्म का उसमें तो जो फॉर्म है उसके जो डिसीजन है उसमें सर्टेनिटी लाने के लिए ये जरूरी है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सके ताकि जो सेल्स है वो हमेशा इंक्रीज शो हो और एक पर्टिकुलर लेवल से अबव ही शो हो इस तरीके से जो आपका सेल्स स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर सकते हैं अगर जो सेल्स वॉल्यूम है फर्म का वो ज्यादा हो रहा है तो कंपनी और कैपिटल इन्वेस्ट कर सकती है और अगर जो सेल्स वॉल्यूम है कंपनी का वो नीचे जा रहा है तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो आपकी आइडल पड़ी रहेंगी जो फॉर्म है उसे जो आप कैपिटल उसने इन्वेस्ट की हुई है उसके ऊपर ह्यूज इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जिससे जो कंपनी है उसको लॉस होगा तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि जो एक फर्म है और जो एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लाए नेक्स्ट इज योर सेल्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फर्म का वो सिर्फ सेल्स को स्टेबिलाईज करना ही नहीं है उसमें ग्रोथ करना भी होता है कंपनी हर एक एफर्ट करती है कि जो सेल्स है उसकी वो इंक्रीज हो सके तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एक फॉर्म है वो नेसेसरी मॉडिफिकेशन करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स में हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे है या मेचोरिटी या सेचुरेशन स्टेज पे है और डिक्लाइनिंग स्टेज पे एंटर कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपके सेल्स वॉल्यूम पर होगा तो उस टाइम पे जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस कर सकती है जो आ, प्रोडक्ट अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पे है उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स से बाहर निकाल सकती है और नया जो प्रोडक्ट है उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स में ऐड कर सकती है Next is technical research and developmental objective, जो और ज हो रही हैं उसकी वजह से जो बिजनेस फॉर्म है उसे अपना प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करना पड़ता है न्यू इन्वेंशन होगी तो न्यू यूजेज प्रोडक्ट के निकल के आएंगे मटीरियल प्रोडक्ट का चेंज आप कर सकते हैं टेक्निक्स प्रोडक्शन की चेंज हो रही हैं तो जो कर प्रोडक्ट्स हैं आपके उन्हें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा इंप्रूव करना पड़ेगा उसमें कुछ नए फीचर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे और अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे देन नेक्स्ट इज योर कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट मिक्स को टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्केट और इसके अकॉर्डिंग ही जो कंपनी है नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं क्यों मार्केट डिमांड में चेंज हुआ है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बाइंग मोटिव्स इनकम फैशन में चेंज हुआ है और जिसकी वजह से जो कंपनी है उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करना पड़ता है उससे जो नए फैशन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऐड करना पड़ता है और जो ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट मिक्स से बाहर निकालना पड़ता है नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव कई बार आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा हो जाती है बजाय कि कम होने की और जो आपकी सेल्स है वो कम हो जाती है प्रोडक्ट के और जो आपका प्रॉफिट है प्रोडक्ट से वो कम हो जाता है तो उस टाइम पे जो बेस्ट डिसीजन कंपनी के लिए बनता है दैट इज कि वो उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्शन लाइन से निकाले उस प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट मिक्स से बाहर निकाले और नया जो प्रोडक्ट है वो लेके आए जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो पाए और जो इह, कंपनी है वो प्रॉफिट में अगेन आ पाए तो कई बार जो मार्केटिंग फॉर्म है वो बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स को इसी वजह से लेके आती है ताकि जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो पाए और वो पॉसिबल होता है जब आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करते हैं तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं जो इफेक्ट करते हैं चेंजेस इन प्रोडक्ट मिक्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच